गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिट्टी की खुशबू विद सोनम। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने सिंपल सिंपल आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो भी मैं अपने गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। ये है मेरा हैंगिंग प्लांटर जो मैंने कल ही बनाया है। ये प्लास्टिक की आपको प्लेट जो नज़र आ रही है, ये एक्चुअली जो हमारे फूड पैकेट्स आते हैं, फूड पैक्ड फूड आते हैं मार्केट से, हम लोग मंगाते हैं, उसकी ट्रे है। इनमें मैं प्लांट्स तो लगाती थी, लेकिन हैंगिंग का आइडिया मुझे कल ही आया और मैंने ये बनाकर देखा, और बनाने के बाद में मुझे लुकिंग वाइज बहुत ही प्रिटी लगा, तो मुझे लगा ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसके अंदर अभी मैंने प्लांट्स नहीं लगाए हैं, ये मैंने सिंपल लीव से प्रोपेगेट किए हुए हैं मनी प्लांट्स, तो ये मैंने अभी रख दिए हैं एज इट इज़। बस मैं लगाने की सोच रही हूँ कि इसमें प्लांट लगा लूँ, बट मुझे लग रहा है कि मैं अलग से इसको ओनली प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर रहने दूँ और इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे पॉट्स रखूँ तो ज़्यादा बेटर है। इससे मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ इसमें टाइम टाइम पर। सेम इसमें मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने अपने मनी प्लांट वाले वीडियो में शेयर किया हुआ है। मैंने देखिए ये लीव से प्रोपेगेट किए थी और इसमें सभी जो स्टेम्स हैं वो अच्छे से सारी लीव्स में स्टेम्स आ गई हैं, और देखिए कितना वुशी हो गया है। तो इस तरीके से ही मैं इसमें अलग से रखने की सोच रही हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। दो मैंने प्लांटर्स बनाए हैं जो कि बिल्कुल कॉस्ट वाइज बिल्कुल फ्री हैं, ये मैं बता देती हूँ आपको बनाने कैसे हैं। तो चलिए मैं एक एक प्लांटर और अपना दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने ये बनाया है, इन सब में मैंने अलग अलग, इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया है, ये अजवाइन का कटिंग है, ये स्पाइडर प्लांट की कटिंग है, ये मैंने लीव से प्रोपेगेट किए थे स्नेक प्लांट्स की वेरिकेटेड वैरायटी, तो ये मैंने लगाए हैं इसमें, और ये कुछ मैंने मनी प्लांट्स की कटिंग्स लगाई हैं। इनको कुछ में तो रूट्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, कुछ में होंगी, तो ये 3-4 डेज में अच्छे से सेट हो जाएंगी। और ये भी मैंने कल ही बनाया है, ये देखिए। अब आप सोच सकते हैं ये क्या है, ये हैं जो हमारे आइसक्रीम के कप्स आते हैं, आइसक्रीम और योगर्ट्स के जो अपने कप्स आते हैं, उनको मैंने हैंगिंग प्लांटर्स के रूप में यूज़ किया। और इसमें जो प्लांट्स लगाए हैं ये बहुत ही मतलब इनमें बहुत रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो ये इजीली 1 ईयर तो कुछ भी इनमें नहीं होने वाला है, आराम से चलेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये देखने में लुकिंग वाइज बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, क्योंकि मुझे छोटे छोटे पॉट्स होते हैं बहुत पसंद आते हैं, और मुझे लग रहा है कि इससे खूबसूरत यूज़ इसका नहीं हो सकता था। और मैंने इन सभी पॉट्स को वही अपनी जो मार्बल पेंटिंग मैं करती हूँ वाटर टेक्निक वाली, उसी से मैंने इसको पेंट किया है और बनाया है। इसको भी मैंने कल ही बनाया है और आपके साथ शेयर करती हूँ। बनाना बहुत ईजी है, हर कोई बना सकता है, और इस तरीके से अपने प्लास्टिक वेस्ट को भी मैनेज कर सकता है, दूसरा हैंगिंग प्लांटर्स वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकता है। टेरेस पर धूप आ गई है, बट मैं लेट हो गई थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, पर कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारे जो कप्स आते हैं आइसक्रीम कप्स, इनको इन पर कुछ पर तो पेंट लगा हुआ आता है, लाइक इस तरीके से इन पर कुछ लिखा हुआ आता है, लेकिन मैंने जो अभी पेंट किया है उन पर लिखा हुआ नहीं था कुछ भी, वो इस तरीके से प्लेन कप्स थे। ये देखिए बिल्कुल प्लेन है, इनको इन पर रैपर होता है वो हटा दिया था, और उसके बाद इनको मैंने सेम टेक्निक से, इसका लिंक मैं दे दूंगी और एक बनाकर मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी कि कैसे बनाया है। ये मैंने इस तरीके से पेंट किया है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके अंदर जो मैंने यूज़ किया है वो क्या है, मेरा एक्सपायरी नेल पॉलिश। मेरे पास बहुत सारे नेल पॉलिश पड़े हुए थे, नेल पेंट्स पड़े हुए थे जिनको मैं यूज़ नहीं करती थी, आई थिंक शायद वो बहुत पुराने थे, बट कंडीशन उनकी ठीक थी। तो मैं, आपको पता है ऑयल पेंट से इस तरीके का पेंट करती हूँ, तो मुझे आइडिया आया क्योंकि ये भी ऑयल बेस्ड ही है तो अच्छी तरीके से हो सकता है। और देखिए कितने खूबसूरत बने हैं ये प्लांटर्स मेरे, तो इस तरीके से ये मैंने नेल पॉलिश को, वेस्ट नेल पॉलिश को यूज़ करके बनाया है। ये देखिए आप जैसा चाहें वैसे कलर बना सकते हैं, टोटली ये प्लास्टिक वेस्ट है जिसको हम डस्टबिन में फेंकते हैं, और इससे बहुत ही खूबसूरत आप हैंगिंग प्लांटर्स बना सकते हैं। देखिए करना क्या है इसमें, पेंट करना मैं अभी आपको बता दूंगी कैसे करना है। ये आप देख रहे होंगे इसमें मैंने होल्स किए हुए हैं, होल्स करना है कहाँ पर, जो ये उभरा हुआ जो एजेस होता है इसका, इसमें करने हैं, नहीं तो अगर हम सेंटर में करेंगे ना तो सेंटर तो ऑलरेडी ऊपर की साइड है, तो पानी जो है इसमें रुक जाएगा और रुकने के बाद में हमारा प्लांट जो है मर जाएगा। तो मैंने ये नीचे की साइड जो हिस्सा है इसमें सब में नेल को गर्म करके गैस पर, उससे मैंने इसमें होल्स किए हैं,
फिर मैंने दो होल्स किए हैं, ओनली टू होल्स। एक तो देखिए ये किया है मैंने नेल से गर्म करके, और एक किया है इस साइड में। इस तरीके से आप फोर करना चाहें फोर कर सकते हैं, टू करना, मुझे लगा टू करना सफिशियंट है, वॉल पर अच्छे से टिक रहा है ये। और अभी मेरे पास धागा नहीं था क्योंकि मैं मार्केट अभी थोड़ा कम जाती हूँ, तो ये मोली वाला धागा था मेरे पास। आप कोई भी इस टाइप का मजबूत हैंगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में आपको डोरियाँ मिल जाएंगी। और इसमें मैंने यूज़ किया है ये साटन रिबन। ये रिबन मेरे पास 20 ईयर्स से तो मैं देख रही थी, मेरे 2-3 रोल पड़े हुए हैं जिनका मैंने कभी कुछ यूज़ नहीं किया, लेकिन अभी इसका इतना बेस्ट यूज़ हुआ है। सेम देखिए मैंने इसमें किया है, इसमें ऑलरेडी होल्स हो रखे हैं, फॉक को गर्म करके मैंने होल किए हैं क्योंकि इसमें मेरा प्लांट लगा हुआ था, लेकिन मुझे हैंगिंग के लिए बहुत बेस्ट आइडिया लगा तो मुझे लगा। और देखिए इस पर भी मैंने पेंट किया है, ये देखिए सेम उसी टेक्निक से मैंने पेंट किया है दोनों पर, और दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए मतलब एक सिंपल सा आपका एक वेस्ट, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लवर तो सब चीज़ों में लगा लेते हैं, लेकिन जनरली मैं देखती हूँ जो सफाई वाले भैया ले जाते हैं उनके उस पर गाड़ी में इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट होता है कि देखकर दुख होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने अपनी हर चीज़ को यूज़ किया हुआ है, वेस्ट को कोशिश करती हूँ। अब ये देखिए ये चाय का कप है, जो कि हम लोग मैं कहीं बाहर गई थी तो मैंने ये चाय का कप मैं अपने साथ में ले आई थी, और इसमें मैंने ये सकुलेंट लगा रखा है। आपको सकुलेंट के लिए भी एक चीज़ बता देती हूँ कि सकुलेंट जो है नॉर्मली समर्स में मर जाते हैं, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है और सकुलेंट मर जाते हैं, लेकिन मैंने ये खंगर में लगाया हुआ है। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसमें सकुलेंट लगाइए, आपका सकुलेंट कभी भी नहीं मरेगा। ये देखिए थर्माकोल बॉक्स यूज़ किया हुआ है, अगेन उधर थर्माकोल बॉक्स में मेरा मिनी फॉरेस्ट अच्छे से चल रहा है। ये देखिए सारे प्लांट्स डेवलप हो चुके हैं, अगेन थर्माकोल बॉक्स। मुझे लगता है जिसको भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करना चाहिए, मेरा प्लास्टिक वेस्ट तो बहुत अच्छे से मैनेज होता है। देखिए ये सारे प्लांट्स दही के कप्स और इन्हीं में सब में लगे हुए हैं, सबको मैंने इसी तरीके से पेंट किया हुआ है और सबको प्लास्टिक वेस्ट में लगाया हुआ। पॉट्स बनाती भी हूँ मैं, सीमेंटेड पॉट्स भी बनाती हूँ। देखिए ये मेरा हैंडमेड पॉट है, बोनसाई पॉट, ये भी मेरा हैंडमेड पॉट है, बहुत सारे हैं मेरे पास। और ये अगेन उसी ट्रे में जिसमें मैंने हैंगिंग प्लांटर लगाया हुआ है, उसी ट्रे में मैंने ये अम्ब्रेला पाम लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। देखिए ये तो प्लेन था जो अच्छे से पेंट हो गया, अब मेरे पास ये कुछ लिखे हुए हैं तो इनको भी मैं पेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक सिंगल पेंट करके दिखा दे रही हूँ, जो कि ये प्लेन है बहुत इजीली हो जाएगा, तो इसको मैं आपको पेंट करके दिखा दे रही हूँ कि कैसे पेंट करना है। ये देखिए नेल पॉलिश से ही मैंने ये छोटी छोटी मटकियाँ हैं, जो कि बहुत ही कॉस्ट वाइज बहुत ही चीप पड़ी हैं, मुझे बहुत ही सस्ती पड़ी हैं, और इन पर मैंने ये पेंट कर लिया है। तो ये आप एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, और एज ए इस तरीके से आप के अंदर रख के इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ हैं, आप आइडिया लगाइए, दिमाग चलाइए और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाएंगे। ये देखिए नील पॉलिश है, ये काफ़ी साल पुरानी है लेकिन अच्छी कंडीशन में है, तो इनका अच्छा रीयूज़ भी है और आपके बहुत खूबसूरत प्लांट्स बनेंगे। ये सारी मेरी एक्सपायरी हैं, आई थिंक शायद 3 ईयर्स पुरानी है, जो कि बिल्कुल वेस्ट में पड़ी हुई थी। इनको मैंने यूज़ किया है, मैं बता देती हूँ करना कैसे है। देखिए ये एक बकेट में मैंने पानी लिया है, ये आपको दिख रहे होंगे सारे कलर से गंदा हुआ हुआ है, ये मैं इसी में अपनी ये पेंटिंग करती हूँ, और हमें धीरे से ये नेल पॉलिश इसके अंदर डालनी है। आप देख रहे होंगे सरफेस पे पूरी की पूरी इसकी फैल गई है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ऑयल मिक्स होता है, तो पूरे सरफेस को इसने कवर कर लिया है। कलर अगेन आपको जैसा पसंद है वैसा आप ले सकते हैं। अब ये एक थोड़ा सा मैं इसको एक डिफरेंट लुक देने के लिए ये फिरोजी कलर है, स्काई ब्लू टाइप का, ये मैं इसके अंदर ड्रॉप्स डाल रही हूँ। देखिए मैं ये इसके अंदर बहुत धीरे से इसको डिप कर दे रहा है।
देखिए इस तरह से ये हमारा सिंपल सा दही का कप कितना खूबसूरत हो गया। और इसमें बस होल्स कीजिए, हैंगिंग के लिए डोरी बांधिए जैसे मैंने बताया है होल्स करके, और उसके बाद इसको आप हैंगिंग प्लांटर्स बना सकते हैं। देखिए हमारा भी इसमें ये बच के आया है, तो इसके लिए मैं एक और ये कप जो है यूज़ कर रही हूँ, इसमें सारा इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये कप पर आ गया है, और इनको सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद इसको हम होल्स करके हैंगिंग एज ए हैंगिंग प्लांटर्स, और ये बहुत मज़बूत है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर प्लांट्स रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, तकरीबन 6 मंथ से वो एज इट इज़ रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स बना सकते हैं, सॉरी प्लांटर्स बना सकते हैं। पानी आपको बार बार चेंज नहीं करना है, एक बार आप ले लीजिए वो हट जाता है सारा। अब ये देखिए मैं अगेन इसमें डाल रही हूँ, मेरी वाइट मटकी रखी हुई है इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली आपके एक्सपायरी चीज़ों का यूज़ है, जो कि आपके वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों को आपको खूबसूरत बनाना है। अगेन धीरे से इसमें आप इसको अपनी मटकी को डाल देंगे। ये देखिए मेरी एक 15 रुपये की मटकी, ये देखिए इस तरीके से पेंट होकर कितनी खूबसूरत हो गई है। ये पेंट नॉर्मली नहीं आता है, आप ब्रश से कितना भी कोशिश कर लीजिए, और ये इतना इजी है कि इसको हर कोई बना सकता है, अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति भी इसको बना सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने वेस्ट को यूज़ करिए, और अपने हैंगिंग प्लांटर्स आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी खर्चा नहीं है इसको बनाने में। आपको मैंने दिखा दिया टेक्निक कितनी इजी है कि वो आप इजीली इनको कलर कर सकते हैं, और कलर करने के बाद में आप आराम से इसमें बस होल कीजिए, होल करने के बाद ये रिबन्स लगाने हैं, और रिबन्स के नीचे की साइड आपको एक गांठ लगा देनी है। देखिए इस तरीके से एक गांठ लगा देनी है जिससे कि ये ऊपर की साइड ना हो, और इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बनाइए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मैं इसी तरीके से अपने सिंपल सिंपल आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।